नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आंखों का सही रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आंखें शरीर का अहम हिस्सा है। आंखों में कोई भी समस्या होने पर चेहरे की सुंदरता और दृष्टि दोनों पर असर पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या आंखों में गुहेरी का होना या आंख में फुंसी होना। गुहेरी होने पर आंख में कष्ट महसूस होता है और दिनचर्या भी प्रभावित होता है। इसलिए आज हम जानेंगे आंख में गुहेरी क्या है और क्या है गुहेरी के कारण और लक्षण। गुहेरी पलक के किनारे के पास होने वाली एक पीड़ादायक लाल गांठ या फुंसी है। यह समस्या पलक के बालों की जड़ में संक्रमण होने के कारण होती है। आंख में फुंसी लाल रंग की और पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन आंख को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने का जोखिम पैदा नहीं करती है। आमतौर पर आंख की गुहेरी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। वहीं कुछ मामलों में गुहेरी का संक्रमण फैल सकता है। इससे पूरी पलक संक्रमित हो सकती है, यानी एक साथ कई फुंसियां हो सकती हैं। क्या है आंख में गुहेरी के कारण? आंख में गुहेरी की समस्या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होती है, साथ ही कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। आंख में गुहेरी होने के लिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया मुख्य रूप से जिम्मेदार है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया सामान्य रूप से स्किन पर रहता है और कोई हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर यह संक्रमण का कारण भी बन सकता है। नाक से निकलने वाले तरल को छूने के बाद आंख को रगड़ने से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पलक तक आ सकता है, जिसे गुहेरी की समस्या हो सकती है। सेबेशियस ग्रंथि के बंद होने पर भी गुहेरी जैसी दिखने वाली फुंसी पलकों पर हो सकती है। क्या है आंख में गुहेरी के लक्षण? पलक पर एक कोमल गांठ या फुंसी दिखाई देती है, जिसमें दर्द, जलन और खुजली का एहसास हो सकता है। गांठ बड़ी हो जाती है तो इसमें सफेद या पीले रंग का पदार्थ नजर आ सकता है, जिसे आम भाषा में मवाद कहा जाता है। गुहेरी पलकों के किनारे पर निकलती है, जहां बाल उगते हैं। गुहेरी निकलने पर आंख में कुछ गिरने का एहसास हो सकता है, क्योंकि पलक पर सूजन होने से वह आंख की सतह को छू सकती है। पलक पर सूजन होने के कारण आंख से पानी भी आ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।